दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के विषय में, जो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से किसी संख्या को विभाज्य कर दें, उसी के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि इससे अगर हम लोग ये जान जाएं कि कोई भी संख्या किस संख्या से जल्द से कट जाए, तो हमको कैलकुलेशन करने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं, तो वो जरूरी होता है जितना जल्द से जल्द हम 3 घंटे में चाहे 1.5 घंटे में, जैसे आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो 1.5 घंटा, और 3 घंटे किसी मतलब एग्जाम में हाई स्कूल इंटर के जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ होता है। इसलिए हम ये जान जाएंगे विभाज्यता के विषय में, तो बहुत तेजी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए हम आज चलते हैं डिविजिबिलिटी के विषय में अध्ययन करेंगे, ठीक है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता, विभाज्यता का नियम, जिसको हम इसको इंग्लिश में DBDBSIDGB LITY डिजिबिलिटी बोलते हैं, डिजिबिलिटी, ठीक है। पहला है 2 से। 2 से कौन सी संख्या कटेगी? जब भी 2 से कटने वाली संख्या की बात होगी, तो 2 से विभाज्य, विभाज्यता 2 से, तो वो हमेशा इकाई अंक में, कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान के चलिए ये कोई संख्या दिया हुआ है 3, तो ये जो इकाई अंक है उसमें हमेशा हमेशा इकाई अंक में, 2 के विजिबिलिटी में, डिजिबिलिटी में इकाई अंक, हमेशा इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आएगा, 0 रहेगा। अगर ये संख्याएं आ रही हैं इकाई अंक में, किसी भी संख्या के इकाई अंक में, तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब 3 में देखते हैं, 3, 3 से विभाज्य, ठीक है। 3 से कौन सी कौन संख्या विभाज्य होंगी? जो भी संख्या दिया हुआ है, मान के चलिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को योग करेंगे, अगर वो 3 से कट जा रहा है योग करने के बाद, तो जानिए कि वो जो संख्या है वो 3 से कट जाएगी। जैसे देख लीजिए, मान के चलिए 7, 2, 8, 1, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे, देखिए 7, 2, 9 और 9, 18, इसका मतलब इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 18 आ जा रहा है, 18 3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्याएं 3 से डिविजिबल है, मतलब जो भी संख्या दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है, उस संख्या का योग अगर 3 से कट जा रहा है, तो जानिए कि वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 4 का देख लीजिए, 4 की विभाज्यता, कोई भी संख्या दिया हुआ हो, जितना बड़ा लंबा से लंबा 6 अंक का भी संख्या जो भी दिया हो, इसके जो अंतिम 2 पार्ट हैं, 2, वो अगर ये 2 इस 4 से कट जा रहे हैं, इकाई और दहाई वाले अंक जब 4 से कट जाएंगे, तो समझिए कि पूरा टोटल अपना जो संख्या दिया हुआ है कट जाएगा। जैसे जैसे मान चलिए कोई भी संख्या हम ले रहे हैं 4, 5, 20, देखिए ये संख्या मान के चलिए, ये संख्या 5, 4, 5, 6, 7, 2, 0, हमको इस संख्या से लेना है, सिर्फ इस संख्या से। ये संख्या 4 से कट जा रही है, इसका मतलब ये कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे ही मतलब दो अंकों की मतलब इकाई दहाई आपको लेना होगा, अगर वो 4 से कट जा रही है, तो जानिए कि संख्या कट जाएगी, ठीक है। अब 5 को देखते हैं, 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, इसको हम हमेशा इकाई अंक में, किसी भी संख्या के इकाई अंक में, इकाई अंक में या तो 0 होगा या तो 5 होगा।
अगर जिस किसी भी संख्या में इकाई अंक में 0 और 5 होगा, वो जानिए कि वो संख्या 5 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, मतलब विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान के चलिए 150 छोटा सा ले लेते हैं, ऐसे भी आपको पता है कि कट जाएगा, लेकिन देखिए अंत में 0 है। अगर 155 है अंत में, देख रहे हैं ये छोटी संख्या, जितना भी बड़ी ले लेंगे, अगर हमारे लिए 1 2 0 5 चाहे 1 0 0 0 0 0 1 कर दें, 0 कर दें, तो भी ये संख्या कट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से अगर इकाई अंक में 0 या 0 0 या 5 अगर आ जाए तो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम छक पढ़ते हैं। छक की विभाज्यता, आप लोगों को एक चीज बताया थे 2 और 3 का, 2 और 3 मतलब 2 और 3 की विभाज्यता। ये नियम कहता था, कह रहा है कि इकाई अंक पे हमेशा सम माने सम संख्या आएगी, 2 4 6 8 अगर मान लिया जा रहा है तो संख्या कट जाएगी। उसी में अगर ये 6 से अगर कोई भी संख्या को विभाज कर रहे हैं और वो संख्या 2 से और 3 से कट जा रही है, मतलब 2 और 3 से अगर वो संख्या कट जा रही है, तो जानिए कि 6 से कट जाएगी। 2 का तब जानेगा 2 4 6 8 0 2 4 6 8 इकाई अंक में रहेगा, और 3 का सभी संख्याओं का योग करेंगे, अगर वो योग करने के बाद जो संख्या आ रही है, अगर वो 3 से विभाज्य हो जा रहा है तो यू संख्या कट जाएगी। इसका मतलब कि 2 और 3 का अगर विभाज्यता का नियम अगर जानते हैं तो 6 उसे कट जाएगा। ठीक है, अब तीसरे उस पे चलते हैं, 7 नंबर पे, और 7 नंबर बताते हैं। 7 नंबर, 7 और 13 का वही होता है, 13, 7 और 13 का एक होता है। इसमें देखिए कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, मान के चलिए कोई संख्या है 1 2 3 4 5, ये संख्या दिया हुआ है, चाहे 6 जो भी हो, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाएंगे हम, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, और इस पेयर को इसमें हम घटा देंगे, मतलब ये 3 3 पेयर इसमें हम घटा देंगे, जो अंक आएगा अगर वो संख्या इससे कट जा रही है, 7 से या 13 से कट जाएगी, तो जानिए कि वो संख्या तीन दोनों से कट जाएगी। ठीक है, अब ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको बता रहे हैं। देखिए मान के चलिए एक संख्या है 16, मतलब ये है 16 786, ठीक है, इसमें आप 3 को पेयर बनाएंगे, देखिए ये 3 है ये 3 है, इन तीनों में पेयर में इसमें नहीं है तो इसको 0 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पे घटा दीजिए, 0 16 आ कर रहा, कितना आ रहा है 0 7 7। अब देखिए 7 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा, ये सब कट जाएगा 7 से। अब 13 की बात आ जाएगी, तो 13 में तो वीडियो बंद हो गया, अच्छा चलिए काटते हैं। देखिए 7 का विभाज्यता, 7 विभाज्यता, 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता में कह रहा है कि 3 कोई भी अंक दिया हुआ हो, इस अंक में 3 का पेयर बनाएंगे, ये और ये 3 का, ठीक है, इन तीन पेयरों को इसमें हम घटा देंगे, जो संख्या आ जाएगी, माने घटाने के बाद जो संख्या आएगी, उस संख्या को हम 7 से अगर विभाज्य हो जा रहा है तो जानिए कि उस 7 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई संख्या है दिया हुआ है, 3 पेयर में है, 1 6 786, ठीक है, 3 का पेयर बनाते हैं इसको, ये और ये 3 है, तो जो 0 बना लीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 6 कर लीजिए, ये जगह 0, ये 7 7, देख लीजिए कटेगा कि नहीं, ये 700 है 700 और ये 70 कट जाएगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें एक बेहतरीन चीज है, अधिकतम ये कितना आएगा, 9 9 9, इससे अधिक कुछ अंश नहीं आएगा, कोई अंक नहीं आएगा, इसमें भी इससे अधिक नहीं आएगा, ठीक, घटेगा तो 0 हो जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि क्यों ना हम इसकी डिजिबिलिटी मान लीजिए 700 है, जिसे अगर कोई घट कर जैसे वहां पे हम लगाए थे
तो 776 में से हम 16 घटाए 770 हो गया, तो ये तो हमको कंफर्म हो जा रहा है कि 70 हमारा 700 कट जा रहा है, तो हमको आसान हो जाएगा। मतलब इसकी विभाज्यता करनी है, मतलब ये जैसे 350, 700 ऐसे करके जो भी संख्याएं होगी इससे कट जाएगा। इसको आपको दिमाग में रखना होगा कौन संख्या कट रही है, तुरंत कटाएंगे जल्द से, जितना जल्द हम उसको आंसर लाएंगे और किसी संख्या को काटेंगे हमारा समय कम बचेगा, समय बचेगा जिससे हम अन्य क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा हम उसको फोकस कर सकेंगे। इससे कि जब भी कंपटीशन में हम बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि कम समय में हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर दें, तभी हमको बेनिफिट मिलेगा कि हम अन्य क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, अब हम 8 की विभाज्यता पढ़ते हैं। 8 की विभाज्यता, ठीक है, इसमें क्या होता है कि किताब में लिखा हुआ है कि कोई तीन संख्या दिया हुआ है और ये तीन पेयर कट जा रहा है, जैसे 8 चार में था कि दो पेयर कट जा रहा है चार का लिए, तो वो संख्या कट जाएगी। इसमें है कि ये तीन पेयर होगा, तीन पेयर अगर कट जा रहा है तो 8 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें हम बता रहे हैं, अगर कोई संख्या दिया हुआ, यहाँ पे ओड नंबर है, ओड इवेन नंबर है, इवेन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या, तब ये संख्या अगर 8 से इतने बस दो ही अगर बस कट जा रहा है तब यानी कि टोटल संख्या कट जाएंगे। बात को समझिए, अगर ये दोनों संख्या 8 से कट रही है और ये संख्या तीसरी इकाई दाएं सैकड़ा जो सैकड़ा वाली जो संख्या है अगर ये इवन है, सम संख्या है, तब वो संख्या ऐसे भी अगर आप देख लेंगे सम संख्या है ये कट जा रहा है तो यानी कि टोटल क्वेश्चन कट जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए, ठीक है, ये हो गया 6 और ये हो गया 32, ठीक है, ये हमारे में देखिए ये हम यही चीज बताना चाहते हैं, ये 32 कट जाएगा इससे ना। और एक चीज यहां देखिए, इसको हम बता रहे हैं कि इवन है, हम तो यही कह रहे हैं कि इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा तो ये संख्या जो भी होगी ये संख्या 8 से कट जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर ये इवन की जगह पे ओड नंबर होगा, ओड मतलब सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, तब हम इस संख्या में, तब इस संख्या में 4 जोड़ करके अगर हम प्लस करेंगे इस संख्या में, तब जा करके हमारी संख्या अगर कट जा रही है तो समझिए कि 4 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, 7 8 इसके जगह पर 5 ले लेते हैं, कोई ओड संख्या 3 2। ये देखिए ये तो 32 कट रहा है लेकिन ये नहीं कटेगा, अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 कट रहा है नहीं कट रहा है तो ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, भाजिता 9 की विभाज्यता, ठीक है, 9 की विभाज्यता, जिस तरह से हम लोग 3 के विभाज्यता को नियम को पढ़े थे उसी तरह से 9 का भी है, बस अंतर इतना है कि जो संख्या मान लीजिए 18 था तो 3 से कट रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए 15 आया था 3 से भी कट जा रहा था तो 15 वाला नहीं कटेगा, ये 9 वाला का अलग है, मतलब कि 18 होगा, 36 होगा, 27 होगा तब कटेगा। इसका मतलब ये कि 9 से मल्टीपल में होगा, कोई भी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे और 9 के मल्टीपल में होगा तो यानी कि संख्या कट जाएंगे। जैसे 2 7 1 8 इसको जोड़ लीजिए, 7 2 9 10 8 18, 18 हो गया, ठीक है, कट जाएगा 9 से। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम योग करके अगर ये लाते हैं प्लस 3, जैसे यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं, नया बना रहे हैं, अगर यहाँ पे हम 3 जोड़ देंगे, 3 लगा देंगे तब देखिए ये नहीं कटेगा, 7 2 9 1 10 8 18 3 21, जबकि 21 जो है 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से संख्या नहीं कटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम जोड़ेंगे और उसका जोड़ 18 मतलब कि इसके मल्टीपल में 9 के मल्टीपल में होगा तब वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, 10 का तो आप लोग ऐसे जानना चाहिए, 10 की विभाज्यता 10 की विभाज्यता ऐसे भी जानना चाहिए, जिसके इकाई अंक में 0 आना चाहिए,
जीरो अगर आएगा किसी भी इकाई अंक में, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 1 0 0 0 जो भी हो, ये अगर इकाई अंक में हमेशा जीरो आ रहा है तो 10 से कट जाएगी, इसको तो सिंपल आप लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं 11 के विभाज्यता। कोई भी संख्या दुआ हो, जैसे मान लीजिए कि 32 हो गया, 34 हो गया, 45, ये संख्या दिया हुआ है, मान के चलिए ये 45 है, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो किताब में दिया है कि एक एक पेयर बनकर, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन हम दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाएंगे और देखेंगे। देखिए यही थे डायरेक्ट, 33 है तो प्लस, हम एक प्लस -1 है, इसको जोड़ने के लिए हमको प्लस चाहिए, इसका आगे बढ़िए फिर, तो 33 है, 33 + 1 है, ठीक है। इसमें देखिए 11 44, दो ये 46 मान के चलिए, 46 ये 11 44 -2 है, ठीक है, और यहाँ पे +2 है, इसका मतलब कि ये कट जा रहे हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अगर ये कट जा रहा है तो 11 से कट जाएंगे, सिंपल जी, ठीक है। और 11 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर 11 भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, मतलब 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए कट जाएगा, कोई भी संख्या आएगा इससे कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में, स्थानीय मान, अंकीय मान और अभाज्य जो प्राइम नंबर से गुणनखंड होता है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।